जब मैं साधना काल में था तो हिमालय में एक योगी के पास 7 दिन रहा। उस योगी ने मुझे ज्ञान विधि कराई कि 3 दिन बिल्कुल संसार से अलग होकर एक स्थान पर ध्यान करो और इन 3 दिनों में मौन साधे रखना है, किसी से भी कोई बात नहीं करनी, मुझसे भी नहीं करनी, उस योगी ने कहा। और इस ध्यान के मूल में ये रखना कि पूरे संसार में केवल अब सिर्फ तुम बचे हो और सारा विश्व सब शांत हो चुका है, सिर्फ तुम अकेले रह गए हो। अब जब तुम अकेले रह गए हो तो सोचो किससे घृणा करोगे, किससे ईर्ष्या करोगे, किसके साथ प्रतियोगिता करोगे, सब कुछ समाप्त। तुम पूरी तरह से अपने केंद्र पर अवस्थित होने का प्रयास करो। और ये बड़ा गहन ध्यान था 3 दिन का। उसके बाद हिमालय से लौटने के बाद जब बहुत योगियों महायोगियों के श्री चरणों में बैठकर मैंने ध्यान का प्रसाद पाया, तो दिल्ली में आने के बाद फिर कुछ प्यासों पर काम करना शुरू किया, कुछ साधकों पर। तो साधकों को मैंने अनेक ध्यान विधियां दी, असाइनमेंट्स दिए, जिनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण असाइनमेंट हुआ करता था कि वे लोग घर में एक छोटा सा ध्यान मंदिर बनाएं, मेडिटेशन प्लेस, और उस पर बैठकर नियमित ध्यान करें। रोज रात को वो नियमित ध्यान करें और हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें कि जब पूरे परिवार के साथ ध्यान करें। फिर रोज शाम को 10 मिनट के लिए जब भी समय मिले पूरा परिवार इकट्ठा हो और मिलकर नाम सिमरण करें, ईश्वर का स्मरण करें, ध्यान करें और शांत बैठें। तो इस तरह की जो ध्यान विधियां दी गई, उन ध्यान विधियों से मुझसे काफी लोग नाराज हो गए, उनके परिवार वाले, क्योंकि उस ध्यान विधि का एक अंग यह भी था कि देर रात में किसी को भी उठा देता था। जो साधक थे, रात को 12 बजे फोन किया, 1 बजे फोन किया, उठो, छत पर जाओ या बाहर निकलो खुले में और आकाश में देखो कितना सुंदर चांद है, उस चांद को देखो, आकाश में तारों का दर्शन करो, उठ जाओ। तो एकदम जो उनको ब्रेक मिलता था, एक झटका कि आधी रात को मैं किसी को जगा रहा हूं, तो धीरे धीरे सबकी नाराजगियां बढ़ने लगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक अध्यापिका मिली, उसने कहा था कि वर्षों पहले आपने मुझे कहा था कि आप बच्चों को पढ़ाने से पहले 2 मिनट का ध्यान कराया करें, मौन ध्यान, और कहती उसका इतना सुंदर प्रभाव बच्चों पर हुआ हुआ और ना हुआ हो पर मुझ पर बहुत हुआ। बच्चों पर भी होता था, बच्चे बिल्कुल शांत बैठे रहते थे। कई बार उसने कहा, हमारी प्रधानाचार्य वहां से निकली तो उन्होंने देखा कि कक्षा बिल्कुल चुप बैठी है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चों के मन के अंदर बहुत सारी सात्विकताएं प्रवेश करने लगी और मेरा तो जो विकास हुआ वो हुआ। अब क्या है कि 99% लोग जो मेरे संपर्क के हैं वो मुझे पागल समझते हैं, क्योंकि मैं बात ही ऐसी करता हूं। अब रात को मैं किसी को उठाकर कहूं तुम लोग ध्यान करो तो उनका पूरा परिवार समझता है कि अगर कुछ दिन हमारा बच्चा इनके साथ रहा तो वो घर छोड़ छाड़ कर चला जाएगा। बिल्कुल जो वो विधियां ध्यान की गहरी हिमालय के योगियों ने बताई हैं, वो आज संसार उनको मानने को विवश हो रहा है, विवश। लोग मुझे कहते थे कि हम क्या अपने काम छोड़ दें, कर्म ही पूजा है, हमें सुबह से शाम तक इतने काम होते हैं, उन कामों को छोड़कर हम सिर्फ ध्यान करें और आपके अनुसार एक दिन ऐसा निकाले महीने में जब पूरा दिन अपने घर पर रहें, कहीं ना जाएं आएं, तो संसार का काम कैसे होगा? तो अब कैसे हो रहा है? अगर ये स्थितियां हमने पहले विचार कर ली होती, ये अपने को प्रकृति से जोड़ने की, तो आज प्रकृति अपना इस तरह से प्रतिशोध नहीं लेती, ये प्राकृतिक प्रतिशोध है। और इसमें अब जो समय है इसका भी अगर हम उपयोग सही ढंग से कर लें, जिसे कहते हैं ना बच्चों को कई बार कि अभी परीक्षाएं आने में थोड़े दिन हैं, अभी भी पढ़ लो तो तुम्हारी बात बन जाएगी, जो पिछला तुमने समय खराब किया वो समय अभी भी बच सकता है क्योंकि अभी परीक्षाओं में दिन है। तो वही बात है, अभी भी ये जो समय मिल रहे हैं
एकांतवास के। इन एकांतवास में मनोरंजन करने के स्थान पर अपने मन का भंजन करना शुरू करें। मनोरंजन तो पूरा जीवन किया है, अब थोड़ा ध्यान करें, सिमरन करें और अपने भीतर जाने का। अभी पिछले दिनों कई इस तरह के व्हाट्सएप आ रहे थे कि आप आउटसाइड नहीं जा सकते तो इनसाइड जाइए। बहुत आसान है कहना, लेकिन इनसाइड कोई जाए कैसे, कभी जाने का कोई अभ्यास ही नहीं किया हो। आप किसी को कहो कि बहुत दिन तुम तैरे नहीं, जरा तैर लो जाकर, और उसने कभी तैरना सीखा ही ना हो तो वो क्या करेगा। लेकिन फिर भी हम प्रयास तो कर सकते हैं, पानी में थोड़े हाथ पैर तो मार सकते हैं, तैराकों की मदद तो ले सकते हैं। तो इस समय जो सबसे बड़ी बात है कि अपने भीतर के केंद्र में जाने के लिए आप उस समय का जो उपयोग करना है वो मौन ध्यान में करें, कम से कम बोलें, आत्मलीन रहें और जितना अधिक हो सके प्रकृति के साथ अपना योग बनाने का प्रयास करें। रात के समय दीप प्रज्वलन करें। अब पिछले दिनों जो शंख ध्वनि की, गोंग की और मंत्रों के उच्चारण के ऊपर जो मैंने बात की थी, उसमें भी कई लोगों ने कहा कि इन चीजों से क्या होने वाला है। लेकिन जो साउंड थेरेपी है, नाद सौंदर्य है, ये आज का नहीं है, ये प्राचीन काल का है, बहुत प्राचीन काल का। और नाद सौंदर्य का तो मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं ना साउंड थेरेपी का, कि अभी कोई आदमी आपको गाली देकर चला जाए तो देखो वो साउंड क्या इफेक्ट करती है आपके अंदर, आप जीवन भर उसे क्षमा नहीं करेंगे। और वही आदमी आकर, कोई दूसरा आदमी आकर आपकी स्तुति कर दे, प्रशंसा कर दे, तो देखो वो साउंड काम करती है नहीं करती। तो हर चीज पर साउंड काम करती है। तो वो विषाणु, वो रोगाणु जो इतने महीन होते हैं कि जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते, कई बार यंत्रों से भी अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि सूक्ष्म जगत तो इतना ज्यादा सूक्ष्म है ना, वो इन ध्वनियों से, शंख की ध्वनि, मंत्रोच्चारण की ध्वनि, इनके अंदर कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कोड है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसी विद्युत शक्ति है कि जब ये मंत्र गूंजते हैं तो वो रोगाणु मर जाते हैं। और ये हजारों वर्षों पुराने जो वैज्ञानिक थे हमारे, जिनको ऋषि मुनि कहा गया, ये उनकी खोज है। तो ये जो समय है, आप अपने भीतर एक संकल्प लें कि एक रविवार ही नहीं बल्कि जीवन के अंदर से कई रविवार ऐसे निकालें। किसी भी दिन को आप अपना रविवार बना सकते हैं कि जब पूरा दिन, दिन नहीं सही तो रात को ही आप पूरे मौन में चले जाएं, संसार से अलग होकर अपने आत्म तत्व पर, अपने केंद्र तत्व पर स्थिर होने का, केंद्रित होने का प्रयास करें।